एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंडियन व्लॉगर प्रिया। तो मुझे हो रही है लेट, तो इसलिए मैं फटाफट से बता दूं कि आज करवा चौथ का नेक्स्ट डे है और मैंने सूट पहना है वही वाला जो मैंने करवा चौथ में पहना था। दो तीन घंटे के लिए पहना था तो मैंने दोबारा पहन लिया। आज हम लोग जा रहे हैं घूमी, मैं, राकेश, निकू, हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, बट काफ़ी फेमस टेम्पल है, वहाँ चलते हैं। वहाँ जाके बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड हाँ, वहाँ शायद अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो शायद रिकॉर्ड तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट देखते हैं। आज का पूरा दिन हमारा घूमने में जाएगा, कुछ शायद अच्छा एक्सप्लोर कर ले। अभी मैं नीचे जाती हूँ एंड निकलते हैं हम लोग फिलहाल घर से। आज प्रूव हो गया है कि मैं नहीं लेट करती हूँ, निकू के तातेज लेट करते हैं। ये देखो। और क्या कर रहा था सुबह से? शेव कर रहा था। चलो बस भाई, हो गया, अब कैमरा बंद करो। आज आए उठ पहाड़ के नीचे। हो गया, अभी तो शूज ही पहनने हैं। पर पहनने मैं यही हूँ। ज़्यादा टाइम तो चेन्नई जाने में लग जाता है। हाँ, वही बोल रहे थे हम भी। बात कर रहा हूँ, 110 किलोमीटर में तो लग ही नहीं रहा, मैं तो थोड़ा ही सोया। पहुँच गए हम लोग यहाँ पर गेस्ट हाउस में एंड अभी यहाँ क्यों रखा है, अभी बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सो ये है उस गेस्ट हाउस का एंट्रेंस जहाँ पे कि हमने थोड़ी देर वेट करा था, थोड़ा सा रेस्ट करा था। एंड अगेन, ये भी उसी मंदिर का ही पार्ट है। तो उस मंदिर का एक्चुअल में जो एरिया है वो 100 acres है, और ये तो सिर्फ मंदिर वाला एरिया है। इसके अलावा इनके हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर वगैरह और भी है। तो आप सबको पता होगा गोल्डन टेम्पल एक अमृतसर में है, पर एक और भी है। सो ये है श्रीपुरम श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेम्पल। ये लक्ष्मी जी का मंदिर है वेल्लोर में, और इसको क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग बना था तो मैंने गूगल से कुछ पिक्चर्स लिए, वो मैं आपको समझा देती हूँ। सो ये है मेन टेम्पल, इसमें सीधा सीधा रास्ता है, बट यहाँ से नहीं जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है स्टार से होते हुए। ये पूरा रास्ता है स्टार वाला और ये 1.8 किलोमीटर्स है, और ये पूरा कवर्ड है रास्ता, काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, सिंपल कोई टिन शेड वगैरह नहीं। देखो कितना प्यारा डिज़ाइन बना है इसमें भी, और इसके वजह से यहाँ बिल्कुल गर्म नहीं लगता है, बारिश में भी यहाँ कहीं भी दर्शन कर सकते हो। देन जो ये मेन रास्ता था जहाँ से जाना मना है, यहाँ पर भी साइड साइड में पानी है। देन जो अंदर का मेन टेम्पल है उसके भी चारों तरफ पानी है, तो इस वजह से काफ़ी यहाँ पर ठंडी हवा रहती है। स्टार के भी चारों तरफ पूरा ग्रीन जंगल है, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता है अंदर मंदिर में। देन जो ये मेन टेम्पल है इसमें इतना सुंदर वर्क हुआ है, गोल्ड से पूरा का पूरा काम करा हुआ है, काफ़ी फाइन डिटेलिंग्स, मतलब मैं पूरा इसका आर्किटेक्ट ही देख रही थी अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी साउथ इंडिया के टेंपल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने मंदिर के लिए। अगर आप टेंपल उनके देखेंगे तो बहुत ही सुंदर उसने पेंटिंग्स करा होता है, इतने सुंदर कलर्स करे हुए होते हैं। ये मेन टेंपल था, यहाँ सामने की तरफ ही देवी भी थी, और यहाँ पर कोई वॉल नहीं है, सिर्फ पिलर ही पिलर है, तो इस वजह से भी काफ़ी अच्छी सी यहाँ पर हवा रहती है अंदर। इसके बाद फिर हम लोग बाहर आए, यहाँ पर आकर निकू का शूट चल रहा था जिसमें कि हम नीचे बैठ के फोटोज खींच रहे थे, तो उसे लगा कि उसे भी शायद नीचे बैठना, तो वो भी नीचे बैठ गया। इसके बाद निकले हम लोग लंच करने के लिए। उस दिन मौसम काफी अच्छा हो रहा था, कभी धूप आ रही थी कभी बादल थे, एंड आसपास भी बहुत अच्छा व्यू था, छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ थी। खैर, हमें उन्होंने भेजा खाना खाने के लिए, बोला कि एक रेस्टोरेंट है वहाँ अच्छा मिलेगा, पर उसका नाम थोड़ा अजीब था, उसका नाम था डार्लिंग। खैर, हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ पे साउथ इंडियन थाली ली क्योंकि एक भैया थे उनको साउथ इंडियन खाना था, एंड ऐसी दिखती है कुछ साउथ इंडियन थाली। क्या है निकू जी, क्या है क्या है निकू जीतेंगे सुकुमार था। क्या है निकू, वाह
क्या है निकू लेके जा मैडम हां इधर को ना वहां निकू ले जा हां सुख रोटी नहीं खाता है घर पे ज्यादा शौक से नहीं और ये आई हमारी नॉर्थ इंडियन थाली जिसमें कि सब कुछ नॉर्थ इंडियन ही था पर ये थोड़ा सा डीप फ्राइड था मतलब सब्जियां वगैरह ज़्यादा डीप फ्राई कर रही थी तो वो चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं आई बट हाँ फ्लेवर्स अच्छे थे तो ठीक है मैंने भी खाया निकू ने भी खाया मेरे साथ उसके लिए कुछ अलग खाना नहीं मंगवाया अरे गुड़िया सब अकेले खा जाएगी अपना मैं तो फिर भी निकू का शेयर करूंगी तू तो अकेले खाएगा कितने चार चीयर्स अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट 4:30 खुलेगा देखते हैं पहले पॉइंट का कोई बात तो अभी हम आ गए फोर्ट के अंदर तो फोर्ट के अंदर मतलब एक सिर्फ एक फोर्ट नहीं है पूरा कैंपस जैसा है तो यहाँ पर पुलिस लाइन भी है यहाँ पे शायद आई थिंक स्टेट पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर एक टेंपल भी है तो हम लोग बेसिकली वहीं जाने वाले हैं टेंपल में एंड मैंने पहले भी बताया था साउथ इंडिया के टेंपल बहुत अच्छे होते हैं ऐसे ऊपर तक कोन शेप में होते हैं और जैसे सीढ़ी में जैसे अलग अलग स्टैचूज लगे होंगे तो एक एक स्टैचू बनाना और फिर उसको पेंट करना खैर यहाँ पर तो सिंगल ही पेंट था बट फिर भी बहुत सुंदर था दो गेट के बीच में ये एक जगह थी जो कि बहुत अलग थी बहुत सुंदर थी यहाँ पर पूरे में पिलर्स ही पिलर्स थे एंड पिलर्स में आप देख सकते हो कितना सुंदर वर्क है कुछ कुछ स्टैचूज़ वगैरह बने हैं पूरा ऊपर से नीचे तक मतलब ये अपने टाइम पे बहुत ही सुंदर चीज़ रही होगी इनफैक्ट इसका जो छत है छत पर भी डिज़ाइनिंग हुआ हुआ था एंड खैर पता नहीं है मुझे ये चीज़ क्या थी पर जो भी थी बहुत सुंदर थी और इसी जगह बाहर के साइड से ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पर यूजुअली जो भी टेंपल्स वगैरह होते हैं ये पत्थर के ही बनते हैं पत्थर में ही अच्छे से कार्विंग करके डिज़ाइंस निकालते हैं उसका पर अब यहाँ मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन ना कि ये क्या चीज़ बनी है क्या था पर जो भी था धूप बारिश झेल के ये अभी भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर चल रहा है निकू का एक फोर्सफुल फ़ोटो शूट तो पता नहीं फ़ोटोज़ तो कैसे आएंगे पर बिहाइंड द सीन मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे तो हम वहाँ बस एक राउंड लगाकर और बाहर ये तालाब सा भी था पर मछली थी इसमें तो ये सब देख के हम लोग आ गए एंड ये जो मैंने बोला था मेन फोर्ट की बाउंड्री ये वो है और जैसे कि हर फोर्ट में होता है फोर्ट की बाउंड्री के बाहर पानी वाला एक एरिया होता है तो ये बस वही वाला एरिया है इसके बाद हम लोग चले गए थे और हमें रास्ते में मिल गया फर्स्ट क्राई तो क्योंकि दिवाली आने वाली थी मुझे निकू के लिए कुछ एथनिक देखना था तो वैसे ही मैं ऑनलाइन सर्च गई थी तो मैं कहा ठीक है फर्स्ट क्राई दिख गया तो एक बार स्टोर में जाकर देख कर आते हैं एंड वहाँ पर इसको ये पहना कर देखा था जो कि मैं पसंद आ गया था
पर जब भी जाती हूँ मेरा मन बहुत दुखता है, क्योंकि लड़कों के ऑप्शंस नहीं होते इतने और लड़कियों के इतने सुंदर सुंदर ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पर भी इतनी प्यारी ड्रेसेस लगी थी लड़कियों की, फ्रॉक्स की भी और लहंगों की भी, बट निको के लिए इतने ऑप्शंस नहीं थे। उसके लिए तो ले दे के वही ब्लू के शेड्स होते हैं। बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हाईवे भी खाली था, तो हम लोग काफ़ी जल्दी घर पहुँच गए थे। अगर आज हम लोग चेन्नई जाते और चेन्नई ऐसे अगर हम वापस आते तो एज यूजुअल हमें ट्रैफिक मिलता, पर यहाँ पे सड़क काफ़ी अच्छी थी। तो हम आ गए हैं वापस और हमने खाना वाना खा लिया, अब सोने की तैयारी है। और कल रात की तरह आज भी हमारा बिस्तर नहीं लगेगा। हाँ जी, और कल हमारा एसी नहीं चल रहा था और आज हमने ठीक करवाया पर वो नहीं ठीक हुआ आज भी। हाँ जी, तो बहुत गर्म हो रहा रूम, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। और हमें ऐसा लगता है जैसे हम गांव में जा रहे हैं, गांव में नीचे बिस्तर लगाते हैं ना तो वो अच्छा लगता है। तो मुझे कल से ऐसी फीलिंग आ रही है, बस थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों का डर है यहाँ पे, बाकी तो सब ठीक है। आज हम गए पहले टेम्पल, टेम्पल के बाद गए हम फोर्ट। तो आज हम गए पहले टेंपल, उसके बाद गए हम फोर्ट। तो टेंपल पे हमने किसी से बोलकर हमने दर्शन करवाए थे, तो वहाँ पर अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे, पूरा अंदर ले जाकर पूजा वूजा करके बिठा कर और प्रॉपर जो पर्सनल पूजा होती है वैसा रहा। हाँ, किसी करो पहले मम्मा को, अब चल भाग। फिर पर बस ये था कि वहाँ पर फोन नहीं ले जाने दिया, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। आर्किटेक्ट वहाँ का बहुत अच्छा था और हवा थी वहाँ बहुत अच्छी, बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा था, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया था, परफेक्ट रहा वहाँ पे। बल्कि थोड़ा स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार ये हमें फ़ोन अंदर लाने देते तो हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते, बट जैसे इन्होंने वहाँ पर पूजा करनी शुरू करी, बेल बजाई और वो सब, तो एकदम से कुछ अजीब ही वहाँ का ऑरा हो गया और हमारा ध्यान वहाँ से तो हट ही गया कि अरे हमें फ़ोटो नहीं खींचने दिया, पर उस तरफ को हम लोग ज़्यादा चले गए कि हाँ हम मंदिर आए हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो वहाँ से हमारा जल्दी हो गया था एंड उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम गए फोर्ट पे। फोर्ट मुझे पहले लगा था कि कुछ ऐसा फोर्ट होगा जैसा होता है ना राजा महाराजा वाला टाइप का, कुछ वैसा होगा, बट वो वैसा कुछ नहीं था। बस का जो मंदिर का आर्किटेक्ट था वो बहुत बहुत सुंदर था वो, बस इतना ही रहा। उसके बाद हम वापस आ गए, खैर फाइनली हम आ गए घर। घर आके खाया हमने बिल्कुल लौकी, घर का घरेलू खाना, क्योंकि दिन में जो हमने खाना खाया था वो अच्छा था, टेस्टी था, बट सब कुछ उन्होंने डीप फ्राई कर रखा था, मतलब आलू पनीर की सब्जी थी शायद, वो भी डीप फ्राई कर रखी है, एक और सब्जी थी वो भी डीप फ्राई कर रखी, इतना तेल था सब में, गोभी की पकौड़ियाँ थी, वो पकौड़ियों तो खैर है ही फ्राई। सो इतना ही था हमारे आज के वीडियो में, आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।